हेलो गाइस, मेरा नाम है सुलेमान और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक ऐप, बस का ऐप है जिसका मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका नाम है, अभी भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, चलो ऐप। ये ऐप जो है BST ने लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे लाइव ट्रैकिंग हो गई BST की। आपको बार बार स्टॉप पे आके खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सब कर सकते हैं। बस टिकट बुक कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर इसमें है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना चुका हूँ, मैंने यहाँ आई कार्ड में यहाँ लिंक दे दूँगा, तो आप वो देख लेना। तो फिलहाल जो आज मैं जो है उस ऐप में एक नया जो है ऑफ़र आया है, BST वाले लोग ने एक ऑफ़र दिए हैं जो कि है पास के बारे में। उन लोग ने एक पास लॉन्च किए हैं जिसमें आपको 1 रुपये में 7 दिन का पास मिल जाता है। आप अगर आप नए यूज़र हैं चलो ऐप के, आपने पहले कभी पास नहीं लिया है, तो आप ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं। आपको 1 रुपये सिर्फ देना है, आपको 7 दिन तक का ये पास मिल जाता है। उसमें कुछ अमाउंट के ट्रिप्स आपको मिल जाते हैं। तो इसे किस तरीके से लेना है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। मेरे स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करेंगे तो आसानी होगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको चलो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये वाला जो है चलो ऐप करके आता है, आपको जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आप प्ले स्टोर पर जाके चलो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको ये ऐप यहाँ से ओपन करना है। आपको ऐप ओपन करने के बाद आपको लोकेशन की परमिशन मांगता है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं। फिलहाल अभी मैं कुछ बस देख नहीं रहा हूँ तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं नो थैंक्स कर दूँगा। 75th anniversary 1947 से 2020 जो साल है, 75th anniversary होगी इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम प्लान, तो इसलिए इन लोगों ने BST का फ्रीडम प्लान लॉन्च किया है। इसमें आप देख सकते हैं आपको 7 डेज में 5 ट्रिप्स इन ₹1 मिलती है। आपको ये स्टिकर पे आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। ये अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं अवेल, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे जाना है। आपको सीधा जो है बस पास वाले सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पर नीचे जो है बस पास का सेक्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हो 1 वे टिकट के बाजू में। तो ये बस पास पे आप क्लिक करेंगे, आपको पहले ही यहाँ पे दिख जाते हैं सुपर सेवर ऑफ़र 5 ट्रिप्स वाला एट ₹1, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर कुछ दिखा रहा है, गेट 5 ट्रिप्स एट 1 इन ट्रैवल इन एनी बस है, लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स अवेल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए ही है, तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ये ऑफ़र पर क्लिक करेंगे, पर टोटल अमाउंट 1 बस बता रहा है, फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल पूछेगा, एंटर कर फुल नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पास स्टार्ट डेट डालना है, कब से ये पास स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे अगला फ्राइडे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अगला फ्राइडे लेने के बाद आप जैसे जो भी आपने डेट चूज़ की, उसके बाद करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है अपलोड करने बोलता है, तो वो ये फोटो इसलिए अपलोड करने बोलता है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, और पास विल बी जनरेटेड यूजिंग दिस एंड द बस कंडक्टर में यूज इट फॉर क्रॉस चेकिंग। समझ गए, क्रॉस चेकिंग के लिए यूज़ करने के लिए बोलता है। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है ऐड कर देंगे। फ़ोटो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डेट ऊपर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फुल डिटेल बन जाएगी। अब यहाँ पे अगला है स्टेप पेमेंट का, तो मेक पेमेंट में आप क्लिक करेंगे। आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपको दे दिया, यू कैन टेक ओनली 5 ट्रिप्स विद दिस ऑफर, आप 5 ही ट्रिप ले सकते हैं। दिस प्लान इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉन रिफंडेबल, अब 1 रुपया कोई रिफंड करेगा। दिस प्लान इज़ वैलिड फॉर 7 डेज फ्रॉम द टाइम यू अवेल इट, 7 दिन तक का जब जो आपने डेट डाले उस दिन से 7 दिन चलेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू शो योर प्लान डिटेल टू अथॉराइज्ड पर्सन, अगर आप कंडक्टर मांगते हैं तो आपको दिखाना जरूरी है। वी रिजर्व द राइट टू कैंसिल योर प्लान विदाउट अ रिफंड इन इवेंट ऑफ मिसयूज, दिस प्लान कैन बी अवेल ओनली वंस बाय अ यूजर, एक ही बार आप ले सकते हैं। और आप उन लोग बिना बताए आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसे एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को। फिर आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, आप जो जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, नेट बैंकिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं UPI ले लेता हूँ। UPI लेने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे का सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, तो मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे डेबिट कार्ड तो आप सभी डेबिट कार्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन वॉलेट्स आपको जियो मनी, पेज ऐप, मोबिक्विक फ्री चार्ज का मिल जाता है।
UPI आपको बताया मैं, गूगल पे और नेट बैंकिंग, तो आपको सब बैंकिंग मिल जाती है। तो मैं फ़िलहाल गूगल पे पे क्लिक करूँगा। गूगल पे पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुकिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपका है स्टार्ट राइड टू यूज योर टिकट पास टैप ऑन स्टार्ट राइड वेरीफाई विद कंडक्टर ऑन द कंडक्टर मशीन टू वेरीफाई योर टिकट। आपको यहाँ पे बुकिंग सक्सेसफुल का एक पेज मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ डन कर सकते हैं या बुकिंग डिटेल देख सकते हैं। मैं बुकिंग डिटेल देख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं पास नॉट एक्टिव, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 12 अगस्त के दिन डाला तो अभी एक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सब डिटेल जो मैंने पहले भरा था वही सब दिखा रहा है। व्यू डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका जो है फ़ोटो दिख जाता है, सिर्फ फेयर स्प्लिट वगैरह सब दिख जाते हैं। ये जो है यही आपका पास है। अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं डन करके। अब अगर आपको बाहर से देखना है कंडक्टर को दिखाने के लिए तो आप यहाँ पे लेफ्ट में योर टिकट्स एंड पासेस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके एक्टिव पासेस में अगर आपका एक्टिव होने वाला है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर एक्सपायर्ड हो गया तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक्टिव पासेस में ये पास है, आप ये दिखा देंगे कंडक्टर को। ये दिखाने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू ट्रिप हिस्ट्री भी यहाँ पे दिख जाएगी। जब आपने एक या दो राइड ले लेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी दिख जाएगी। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस है ये पास का, बहुत ही अच्छा है। मतलब 1 रुपये में 5 मिल जाता है, वैसे तो 5 अगर एक ट्रिप करते हैं तो 5 या 10 रुपये लगता है। तो बस यही था कि इस तरीके से लेना मेरे को सोचा बता दूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन आता है उसे भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।